लैटरल कोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमरस के लेटरल कोंडाइल के फ्रैक्चर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक ऐसा फ्रैक्चर है जो बच्चों में बहुत कॉमनली देखा जाता है। जिस तरह ह्यूमरस के लोअर एंड की अगर हम बात करें तो सुप्रा कोंडाइलर फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर है जो बच्चों में देखा जाता है, सिमिलरली ये एक ऐसा फ्रैक्चर है जो चिल्ड्रन में, बच्चों में बहुत कॉमन है। फ्रैक्चर में क्या क्या कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, बोन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? सो फ्रैक्चर कंप्राइजेस कैपिटुलम एंड लेटरल कोंडाइल। इसी को अगर हम ऊपर वाली इमेज में देखें, सो हमारा लेटरल कोंडाइल, क्योंकि रेडियस हमारी लेटरली प्रेजेंट होती है, तो आप देख सकते हैं कि लेटरल कोंडाइल इन्वॉल्व है प्लस द एरिया ऑफ द कैपिटुलम। सो ये दो एरियाज हैं जो हमारे फ्रैक्चर में ऑफन इन्वॉल्व होते हैं। नाउ फ्रैक्चर लाइंस रन ओब्लीकली अपवर्ड। फ्रैक्चर लाइन जो होती है वो कैसे मूव करती है? वो ओब्लीक डायरेक्शन में अपवर्ड मूव करती है। इसके हम जो भी एक्सरे हम अगर देखेंगे, आप अगर यहाँ पे भी देखें इस इमेज में जो मैंने एक्सरे डाला है, यहाँ पे भी फ्रैक्चर लाइन ओब्लीकली अपवर्ड मूव कर रही है। आगे भी जो हम देखेंगे वो फ्रैक्चर लाइन क्या होगी, ओब्लीकली अपवर्ड मूव करेगी, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। बच्चों के केसेस में क्या होता है, ये जो फ्रैक्चर है ये एक्सरे में बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं होता है, कई बार जो डिटैच फ्रेगमेंट है वो नज़र भी नहीं आता है। उसका रीज़न ये है कि ये पार्ट कार्टिलेजिनस होता है बच्चों में, अभी ये बोन में प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए एक्सरे में कई बार नज़र नहीं आता है, या दिखता भी है तो बहुत छोटा नज़र आता है। सो चिल्ड्रन में जैसे मैंने बताया, डिटैच फ्रेगमेंट क्या होता है, कार्टिलेजिनस होता है, इसलिए एक्सरे में छोटा नज़र आता है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सो ये फ्रैक्चर अक्सर डिस्प्लेस्ड होता है, मींस फ्रैक्चर होने के बाद जो फ्रेगमेंट है वो अपनी जगह से हट जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो कॉमन एक्सटेंसार मसल्स हैं उनका ओरिजिन होता है, सो ये मसल्स फ्रेगमेंट को, फ्रैक्चर फ्रेगमेंट को अपनी डायरेक्शन में पुल कर लेती हैं। दैट्स व्हाई दिस फ्रैक्चर इज ऑफन डिस्प्लेस्ड। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये दो टाइप से होता है, या तो जो हमारी फ्रैक्चर फ्रेगमेंट है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव करेगी, या फिर ये हमारी वर्टिकल एक्सिस पे मूव करेगी। सो आउटवर्ड रोटेशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और वर्टिकल एक्सिस पे भी हो सकता है। नाउ दीज आर द एक्सरेज जो हम देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, बच्चों के केसेस में फ्रेगमेंट बहुत छोटा नज़र आता है बिकॉज कार्टिलेजिनस होता है, और कई बार वो ज़्यादा डिस्प्लेस भी नहीं होता, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अगर हम देखें जो फ्रैक्चर है, फ्रेगमेंट है हमारा, वो डिस्प्लेस होता है, अपनी जगह से हट जाता है, क्योंकि कॉमन एक्सटेंसार मसल ग्रुप इसे अपनी तरफ पुल करता है। सो ये एपी व्यूज हैं जिसमें हम इस फ्रैक्चर को देख सकते हैं, एंड दिस इज द लैटरल व्यू जिसमें हमें ये फ्रैक्चर कुछ इस तरह नज़र आता है। नाउ डायग्नोसिस, कैसे हम डायग्नोस करें कि ये हमारा फ्रैक्चर है? सबसे पहली चीज़, पेशेंट हमारे पास आएगा, पेशेंट विल ऑलवेज गिव द हिस्ट्री कि उसे चोट लगी है, किस तरीके से लगी है, कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है। लैटरली हम देखेंगे पेशेंट कंप्लेन करेगा, स्पेशली द रीजन ऑफ द लैटरल एपिकोंडाइल, वहाँ पे हम देखेंगे पेन है, स्वेलिंग होगी, पालपेट करके देखेंगे तो टेंडरनेस मिलेगी, एंड सम टाइम्स क्रेपेटस में भी प्रेजेंट, वो जो साउंड आती है वो जो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट है उसके मूव करने से आती है, क्रेपेटस। सो एक्सरे हमारा कन्फर्मेटिव है, एक्सरे कराकर हम कन्फर्म कर लेंगे अपना डायग्नोसिस कि पेशेंट इज सफरिंग विद द फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल कोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। नाउ वंस इट इज़ डायग्नोस्ड, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में हम ये देखते हैं कि हमारा जो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट है वो डिस्प्लेस्ड है या अनडिस्प्लेस्ड है। अगर फ्रैक्चर फ्रेगमेंट अनडिस्प्लेस्ड है, मीन्स अपनी जगह से नहीं हटा है, हालांकि ऐसा अनकॉमन है, मेजॉरिटी टाइम ही अपनी जगह से हट जाता है बिकॉज ऑफ एक्सटेंसर मसल ग्रुप, सो ऐसे केसेस में हम अबव एल्बो पीओपी कास्ट पेशेंट के लगाएंगे फॉर 2 to 3 weeks फॉलोड बाय फिजियोथेरेपी। बट अगर हमारा फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, अपनी जगह से हटा हुआ है, और मेजॉरिटी केसेस में ऐसा ही होता है, देन ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ के वायर्स इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। उस केस में क्या किया जाता है, जो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट है उसे अपने अलाइनमेंट पे लाकर के वायर्स इंसर्ट की जाती हैं, के वायर्स का जो डायरेक्शन होता है वो अपवर्ड रखा जाता है, सो टू काउंटर द पुल ऑफ द एक्सटेंसर मसल्स।
वंस इट इज़ डन, तो जो के वायर्स हैं उन्हें फिर रिमूव कर दिया जाता है। एक बार फ्रैक्चर स्टिकी हो जाए, हमें एक्सरे में नज़र आ जाए कि हाँ हीलिंग हो रही है, देन वील रिमूव दी के वायर्स। नाउ कॉम्प्लिकेशंस, ये फ्रैक्चर, इस फ्रैक्चर की एक कॉम्प्लिकेशन है नॉन यूनियन। नॉन यूनियन क्यों इस फ्रैक्चर में अक्सर हो जाती है, क्योंकि अगर हमने इसे प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं किया, जैसे कि यहाँ इमेज में हम देख रहे हैं के वायर्स की हेल्प से, अगर हमने इसे के वायर्स के बजाय कंजर्वेटिव मेथड से ही हमने इसे करेक्ट किया, सो क्या होता है, एक्सट्रेंसा मसल पुल फ्रेगमेंट को अपनी तरफ पुल करके रखता है, जिसकी वजह से जो एरिया है हमारा वहाँ पर, जो फ्रैक्चर्ड एरिया है वहाँ पर अच्छा खासा स्पेस बना रहता है, हीलिंग नहीं हो पाती है, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द नॉन यूनियन। सो इस नॉन यूनियन को करेक्ट करने के लिए ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन ही किया जाता है। सेकेंड डिफॉर्मिटी, सेकेंड कॉम्प्लिकेशन एंड एन इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इज द क्यूबाइटस वेलगस डिफॉर्मिटी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, दिस इज द क्यूबाइटस वेलगस डिफॉर्मिटी। अगर हम पेशेंट को इस स्ट्रेट लाइन में खड़ा करें और उससे कहें कि अपनी अपर एक्सट्रीमिटी को एक्सटेंड करें, सुपिनेट करें, तो हम देखते हैं कि जो एल्बो है वो जब एल्बो है उसकी पास से हम देखेंगे जो फोर आर्म है वो आउटवर्ड मूव करता है। दिस इज नोन एज द क्यूबाइटस वेलगस डिफॉर्मिटी। इसका ऑपोजिट हमने स्टडी किया था सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर के केसेस में, जिसमें हमने, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर के केसेस में हमने डिस्कस किया था क्यूबाइडस वैरस डिफॉर्मिटी, जिसमें, जिसे हम गन स्टॉक डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, जिसमें हैंड की पोजीशन, अपर एक्सट्रीमिटी की पोजीशन इस तरह हो जाती है, जो हमारा फोर आर्म है वो अंदर की तरफ थोड़ा मूव करता है, जबकि क्यूबाइटस वैलगस में इसका ऑपोजिट होता है, जो हमारा फोर आर्म है वो आउटर थोड़ा सा मूव करता है। नाउ क्यूबाइटस वैलगस डिफॉर्मिटी अगर डेवलप हो जाती है, दिस इज बिकॉज ऑफ द माल यूनियन। अगर सही तरीके से, सही अलाइनमेंट में बोन्स हील नहीं हो रही हैं, डिस्टर्ब एंगल पर वो आपस में जुड़ रही हैं, तो ये डिफॉर्मिटी हो जाएगी। इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर माइल्ड डिफॉर्मिटी है, हल्की डिफॉर्मिटी है, तो क्योंकि एज सच फंक्शनल इम्पेयरमेंट नहीं होता है, सो कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, देर विल बी नो ट्रीटमेंट। बट ऐसी डिफॉर्मिटीज जो मॉडरेट या सिवियर हैं, इन दैट केस सुप्राकोंडाइलर ऑस्टियोटमी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। सुप्राकोंडाइलर एरिया को कट किया जाएगा और उसे फिर सही तरीके से अलाइन किया जाएगा बोन को। नाउ दिस क्यूबाइटस वेलगस डिफॉर्मिटी मे रिजल्ट इनटू टार्डी अल्नर नर्व पैल्सी। टार्डी अल्नर नर्व पैल्सी क्यों होती है, बिकॉज वी नो जो अल्नर नर्व होती है वो मीडियल एपिकोंडाइल के पास से आगे की तरफ जाती है। सो जब ये डिफॉर्मिटी डेवलप होती है, क्यूबाइटस वेलगस डिफॉर्मिटी, तो जो हमारी फोर आर्म है वो आउटर डायरेक्शन में मूव करती है, दैट विल कॉज फ्रिक्शन ऑफ द अल्नर नर्व विद द बोनी स्ट्रक्चर्स ऑन द मीडियल एस्पेक्ट, जिसकी वजह से फ्रिक्शन न्यूराइटिस अल्नर नर्व का हो जाता है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे अल्नर नर्व के रीजन में टिंगलिंग, नमनेस फील होता है, जो भी अल्नर नर्व का हमारा नर्व का कोर्स है पूरे में, उसे टिंगलिंग और नर्वनेस होगा। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है टार्डी अल्नर नर्व पैल्सी का, इसका ट्रीटमेंट ये है कि जो हमारी अल्नर नर्व है उसे एंटीरियरली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, इस एरिया से जो मीडियली ये पीछे की तरफ होता है, वहाँ से पीछे से इसे नर्व को आगे की तरफ प्लेस कर दिया जाए, सो दैट जो फ्रिक्शन हो रहा है वो ना हो। नाउ दैट थर्ड कॉम्प्लिकेशन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। कभी भी फ्रैक्चर अगर जॉइंट के पास होता है, मींस ऐसी सर्फेसेज इन्वॉल्व होती हैं जो जॉइंट में पार्टिसिपेट करती हैं, आर्टिकुलेट करती हैं जॉइंट फॉर्मेशन में, जैसे यहाँ पर हम बात करें लेटरल एपिकोंडाइल की, सो कहीं ना कहीं उनके फ्रैक्चर में जो जॉइंट बायोमेकेनिक्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इट माइट लीड टू द अर्ली डीजेनरेटिव चेंजेस एंड विल रिजल्ट इनटू अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फ्रैक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।